अक्षरा सिंह भाई, अक्षरा सिंह के बारे में जब भी हमारी टीम कोई वीडियो बनाती है, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी बहुत सारे फैंस हैं और जो इस हमारे अक्षरा सिंह के सारे वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और उनसे जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने पहले लाना चाहते हैं। इसलिए उनसे जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन आई है हाल ही में और हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने स्पेशली डिमांड किया था कि उन्हें ये पता करना था कि क्यों विवाह फिल्म से अक्षरा सिंह को हटाया गया और उनकी जगह आकांक्षा अवस्थी ने ली है। तो जब हमें इस बात का पता चला तो हमने भी इस बाबत जानकारी हासिल करनी चाहिए कि क्यों इस फिल्म से अक्षरा सिंह को आउट करके आकांक्षा अवस्थी को एंट्री दी गई। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं क्या वजह थी। इसके पीछे वजह थी पैसों की। जी हाँ, अक्षरा सिंह अपनी पर फिल्म अमाउंट करती हैं 8 लाख रुपए और 8 लाख रुपए इस फिल्म के प्रोड्यूसर देने के लिए तैयार नहीं थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म में अक्षरा सिंह को साइनिंग अमाउंट के तौर पर, यानी कि उन्हें जो अमाउंट देते वो 2 लाख रुपए दे रहे थे, जो कि अक्षरा सिंह को हजम नहीं हुआ। हाँ, इस फिल्म के अमाउंट को लेके काफ़ी नेगोशिएशन भी हुआ लेकिन अक्षरा सिंह नहीं मानी और अक्षरा सिंह ने इस फिल्म को 2 लाख रुपए में करने के लिए तुरंत ना कह दी। अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर प्रेशर बना कि प्रदीप पांडे चिंटू के अपोजिट किसे लिया जाए जो कम से कम 2 लाख रुपए में तो आ जाए। तो भाई अब आपको यहाँ ये बता दे कि कोई भी बड़ी ए लिस्टेड हीरोइन 2 लाख रुपए में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ क्यों काम करना चाहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी की जितनी भी ए लिस्टेड हीरोइने हैं वो प्रदीप पांडे चिंटू की इतनी तो फैन फॉलोइंग रखती हैं। वैसे भी खैर अक्षरा सिंह की फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं प्रदीप पांडे चिंटू से तो ज़्यादा ही है। इस फिल्म को आकांक्षा अवस्थी ने 2 लाख की बजाय, यानी कि जो प्रोड्यूसर की अमाउंट थी, 2 लाख की बजाय 1.5 लाख में ही साइन कर ली और उन्हें बतौर हीरोइन इस फिल्म में ले लिया गया है। वैसे आपको यहाँ बता दें कि इन दोनों की जोड़ी एक साथ काफ़ी अच्छी भी लग रही है, अच्छा पेयर है इन दोनों का और काफ़ी फ्रेश पेयर है, तो फिल्म जब आएगी तो इन दोनों का पेयर भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दोनों आकांक्षा अवस्थी और प्रदीप पांडे चिंटू 2 दिन पहले लाइव आकर इस बात की पुष्टि की है कि इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर अब आकांक्षा अवस्थी हैं। इस फिल्म की शूटिंग रायपुर में इन दिनों चल रही है। तो हमें यकीन है हमारे कुछ दर्शक जो ये जानना चाहते हैं कि आकांक्षा अवस्थी को क्यों लिया गया इस फिल्म में और अक्षरा सिंह को क्यों हटा दिया गया, तो यकीन हमारे उन दर्शकों को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा जो कि हमसे ये जानना चाहते थे कि अक्षरा सिंह को क्यों हटाया गया विवाह फिल्म से। तो आपको ये बता दें कि कोई वहाँ कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, बस ये पैसे के लेन देन को लेकर वहाँ हटाया गया है। अक्षरा सिंह ने 8 लाख मांगे थे जो कि प्रोड्यूसर नहीं दे सकते थे, सो उसके बदले में आकांक्षा अवस्थी को साइन किया गया जिन्होंने यह फिल्म 1.5 लाख रुपये में साइन कर ली है और इस फिल्म की शूटिंग अब रायपुर में चल रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।